मेरा नाम परमजीत सिंह है। मैं हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला हूँ। मैं ज़ापोरिज़्या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का यूक्रेन में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी सुबह सुबह हमको न्यूज़ मिली कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। यूनिवर्सिटी 2 दिन तक बंद है और अपने अपने सेफ एरिया में चले जाओ। मैं फ्लैट पे अकेला रहता था, मेरे पास कोई और साधन नहीं था, तो मैंने हरियाणा के एक सीनियर हैं हमारे, उनके फ्लैट पे आके शिफ्ट हुआ हूँ। बट टेंशन बहुत हाई लेवल पे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं घर से, बच्चे रो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी जी से, कि हमको तुरंत से तुरंत एयरलिफ्ट किया जाए, यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और हमें हमारे घर तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम अनुराग चौधरी है। मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं 2019 में यूक्रेन आया था जेफरोजिया शहर में MBBS करने के लिए, और पहले 3 साल बिल्कुल अच्छे से रहे कोविड को छोड़ के। पर फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पे 4 से 5 शहरों में बमबारी भी हो चुकी है, और जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी बिल्कुल, उस पर फायरिंग हुई कल रात को बहुत तेज। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द एयरलिफ्ट कराया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है यहाँ पे, और हम बच्चे सारे बहुत स्ट्रेस में हैं। बहुत सविनय निवेदन है आप लोगों से। धन्यवाद।